धीरे धीरे शिवराज सिंह की कार पर ली और तानाशाही पूर्ण रवैये से जनाधार वाले नेताओं की लगातार उपेक्षा और जिन लोगों ने परिवार में के लोगों ने जनसंघ से लेकर अभी तक शिवराज मेहनत खून पसीना बहाया, इसकी बदौलत शिवराज सिंह सत्ता पर विराजमान है। शिवराज सिंह ने एक योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे जनाधार वाले नेता जो शिवराज सिंह की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और प्रतिष्ठित लोगों को धीरे धीरे राजनीतिक रूप से समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र के शिकार जनाधार वाले नेता तमाम बैठे हैं, परेशान हैं और उनको अपमानित किया जा रहा है। ऐसे नेताओं के लिए सम्मान, जो सम्मान से जीवन जीना चाहते हैं, उनका रास्ता कांग्रेस पार्टी में ही है। कांग्रेस पार्टी में मेहनत, कर्मठता, जनाधार के आधार पर लोगों को महत्व मिलता है। हम चाहेंगे कि दीपक जैसी ऐसे और तमाम साथी हैं जो परेशान हैं, वो कांग्रेस में आए। हम उनका, कांग्रेस पार्टी उनका पूरा तरह सम्मान करेगी और उनकी हैसियत के हिसाब से उनका पद प्रतिष्ठा जो मान सम्मान होगा दिया जाएगा।